वेलकम बैक टू दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल नन्हे लाल टेक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं नन्हे लाल और आप देख रहे हैं नन्हे लाल टेक। दोस्तों, आज का वक्त ऐसा आ गया है कि हम सबकी ज़रूरत स्मार्टफोन बन गया है। लेकिन दोस्तों, आज के वक्त में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि कीपैड मोबाइल आज भी लोग चलाते हैं, जैसे कि दोस्तों सैमसंग गुरु। कभी कभी हमारा कीपैड मोबाइल चार्ज नहीं उठाता, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि आज भी हम कॉल उसी से करते हैं। हमारा मनोरंजन का साधन स्मार्टफोन हो सकता है, लेकिन कॉल के लिए बेहतर नहीं है। मेरा सैमसंग गुरु हो गया है, बहुत पुराना मोबाइल है और इसका बैटरी पिकअप भी बहुत अच्छा है और छोटा सा मोबाइल है, कहीं भी आप रख सकते हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इसमें एक प्रॉब्लम है, कभी कभी हमारा मोबाइल चार्ज नहीं होता, जिससे हमें बहुत परेशानी हो जाती है। तो दोस्तों, उसको कैसे हम ठीक करें, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। हाँ, तो दोस्तों हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ गए हैं और ये मेरा सैमसंग गुरु मोबाइल कीपैड है मेरे हाथ में। और दोस्तों, ये सुबह से नहीं चल रहा है, कोई भी बटन मैं दबा रहा हूँ ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप दुकान पे लेके जाओगे तो थोड़ा सा उसमें कुछ करेगा अपने तरीके से, जो हम लोग करेंगे, और आपको बोलेगा कल आओ, दो घंटे बाद आओ, और दोस्तों 100-200 रुपए ले लेगा। तो दोस्तों, इसे कैसे ठीक करेंगे, हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपका मोबाइल अगर ये चार्ज नहीं ले रहा है और या स्विच ऑन नहीं हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर दिक्कत बारिश में होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको क्या करना है, आपको इसको खोल देना है, मोबाइल को खोल देना है दोस्तों इस तरह। मोबाइल जब खोल देंगे दोस्तों, तो इसको क्या करना है, आपको बैटरी निकाल देना है। ठीक है दोस्तों, बैटरी को हमने निकाल दिया है। अब इसको क्या करना है, एक चाकू की मदद से या फिर जो है कि कोई भी लोहखन हो या जो है कि इसको ड्राइवर हो या पेचकस हो, उससे जो है कि आप इसको थोड़ा सा घिस दो। तो मेरे पास एक चाकू है दोस्तों, तो दोस्तों इसको क्या करना है, ये देख रहा हूँ ना, ये तीनों, इसको दोस्तों थोड़ा आपको घिसना है, थोड़ा सा तीनों को। मैं आपको नज़दीक करके दिखा देता हूँ, इसमें क्या है, कार्बन लग जाता है बारिश वगैरह में, या बारिश नहीं है तो भी हम बैटरी है तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जाती है, कार्बन आ जाता है, जिससे हमारा ना स्विच ऑन होता है और ना ही चार्ज उठाता है। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों को थोड़ा थोड़ा आपको घिस देना है, बस हल्का सा। हम इसको देखो दोस्तों घिस चुके हैं, और फिर देखो हम आपके सामने इसको लगा रहे हैं। ठीक है, लगा के हम आपको दिखाते हैं, देखो क्या होता है। अभी ये कई बार ऐसा हो चुका है दोस्तों, तो इसलिए मैं सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए, और बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम आती है, कई लोगों में मैं देखा हूँ। तो दोस्तों हम इसको लगा देते हैं और इसका हम ढक्कन बंद कर देते हैं। दोस्तों हम इसको लगा दिए और ढक्कन बंद कर दिए। अब दोस्तों हम इसको ऑन करते हैं आपके सामने और देखते हैं क्या होता है। ये देखो दोस्तों, ऑन हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आप दुकान पे जाते तो 100-200 आपको मूर्ख बना के ले लेता दोस्तों। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, मैंने आपको जो बताया है, आप ऐसा ही करेंगे तो आपका कीपैड मोबाइल चालू हो जाएगा। और दोस्तों में कोई और दोस्तों इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको टाइमिंग सेट कर देना है और कुछ नहीं, बाकी सब आपका वैसे ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो और ये ट्रिक हमारी पसंद आई होगी। अगर हमारा ये वीडियो और ट्रिक पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल द्वारा जो भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।